जो भी मदद होगी, आप लोग बोलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, कहाँ करूँ, मुझे पता ही नहीं है कि हाँ वो कैसे क्या होगा वहाँ, क्योंकि वहाँ विषय क्या है, वहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो सरकार में जो है वो सरकार के लोग ही जान सकते हैं और जो कानून जानते हैं। भाई हम तो एक संगीत के आदमी है, लेकिन हम अपने शरीर से और अपने पैसे से यही मदद कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को लगता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि कैसे हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपना हमारा कोई नहीं है, वहाँ मेरा कोई इससे से बात नहीं होती है, मैं सरकार में सरकार के हिसाब से मैं हूँ नहीं, मैं एक गायक हूँ या मैं एक एक्टर हूँ, तो एक एक्टर के तौर पे मेरी पहुँच जो है वो संगीत तक ही है। और हाँ, बिहार में चीज़ें होती, यूपी में होती तो मैं समझ सकता था कि वहाँ पर मेरे अपने लोग हैं और वहाँ मैं अपनी चीज़ों को पहुँचा सकता था, लोगों का हेल्प कर सकता था। इनकेस की दिल्ली तक, दिल्ली कलकत्ता, यहाँ भी लोग हमारे अपने हैं, मुंबई हैं, तो जहाँ पे हैं वहाँ पे हम सक्षम हैं, जो वहाँ पे किसी की मदद मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे मेरे लोग नहीं हैं, जहाँ पे हम कभी गए नहीं, तो तमिलनाडु में जो भी चीज़ें हो रही है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बिहार सरकार से, यूपी के सरकार से, कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा आगे आकर अब उन भाइयों का रक्षा प्लीज़ आप सब करिए, और हमसे भी जो हो सकता है आप हमें गाइड करिए, हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें भी बनाया और आप सबको भी बनाया, ये सरकार अगर बनी है, चाहे यूपी की सरकार हो या बिहार की हो, ये कहीं ना कहीं हमारी जनता के बदौलत बनी है, उन्होंने आप सबको चुना और आज वही पीटे जा रहे हैं और अपने ही देश में पीटे जा रहे हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि ये संगीत से और एक इंसानियत से बढ़ की चीज़ है, कि हमें लगता है कि एक इंसान होने के नाते हम सबको आगे आकर और इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और जो भी प्रॉब्लम में है उनका हेल्प करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई तेजस्वी जी, चाचा नीतीश जी, माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी बाबा, और अपने बड़े भाई मनोज भैया, दिनेश भैया, रवि भैया, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग मदद करिए अपने इस भाषा के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जिन्होंने आप सबको बनाया, हम सबको बनाया, इन्होंने हमें एक दायित्व दिया है, उस जगह पर पहुँचाया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान और इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिससे हम आज जो भी हैं इनके बदौलत हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम किसी एक घर का